प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर के पास मौंदा में 1000 मेगावाट क्षमता के ताप बिजली घर परियोजना को राष्ट्र को किया समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले समय में देश के हर इलाके में 24 घंटे बिजली पहुंचाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है और उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बिजली क्षेत्र के विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची के वेंडो में पावर ग्रिड के बनाए गए 765 केवी के रांची धर्मजयगढ़ सिपत अंतर क्षेत्रीय ट्रांसमिशन लाइन को राष्ट्र को किया समर्पित। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एनटीपीसी की उत्तरी करणपुरा बिजली परियोजना का भी किया शुभारंभ, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन की भी की शुरुआत। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के सभी इलाकों के संतुलित विकास पर जोर दिया और कहा कि झारखंड में 15,000 करोड़ की लागत से बनने वाले बिजली कारखाने से न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश का अंधेरा दूर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का जिक्र करते हुए कहा कि इससे शासन का सरलीकरण होगा और सामान्य से सामान्य नागरिक को भी शासन संबंधी जानकारी मिलेगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने राज्य के लिए विशेष योजना की रूपरेखा तैयार की है। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत झारखंड में सौर ऊर्जा का विकास, 2015 तक हर घर में 24 घंटे बिजली और हर विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। उच्चतम न्यायालय 121वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इसके तहत उच्च अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी की उस याचिका पर आज केंद्र सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा, जिसमें उन्होंने पद छोड़ने के मोदी सरकार के कथित आदेश को चुनौती दी है। खंडपीठ ने इस रिट याचिका को 5 सदस्यीय संविधान पीठ को भेजने का निर्णय भी लिया। बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पंजाब की 18 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए डाले गए वोट। बिहार की 10 सीटों के चुनाव पर टिकी सबकी निगाहें। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के रोहतरंग गांव में एक निजी बस के 400 फुट गहरी खाई में गिर जाने के कारण 20 लोगों की मौत, 17 लोग घायल। यह बस 35 यात्रियों को लेकर सांगला घाटी से कल्पा की ओर जा रही थी। शेयर बाजार आज हरे निशान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 46 अंक की बढ़त के साथ 26,360 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 16 अंक की बढ़त के साथ 7,891 पर बंद हुआ। विश्व की नंबर एक खिलाड़ी अमेरिका की सेरेना विलियम्स वर्ष के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में शीर्ष वरीय खिलाड़ी होंगी। यूएस ओपन के महिला एकल में विलियम्स लगातार तीसरी बार खिताब पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेंगी।